टीकमगढ़ पहुंची कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। आयोजित की गई सभा में कांग्रेस के पूर्व विधायक ने अपने संबोधन में बीजेपी नेताओं रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ की संज्ञा देने में कोई परहेज नहीं किया गया, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने बीजेपी के नेताओं की दूसरी लिस्ट निकलने पर भी कहा। साथ ही कहा कि भाजपा ने 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्रियों को विधायक उम्मीदवार बनाया है, इससे बीजेपी में हार की बौखलाहट नजर आ रही है। बीजेपी को घेरते हुए उन्होंने भाजपा को 50 कमीशन की सरकार बताया है। बीजेपी को घेरते हुए उन्होंने भाजपा को 50% कमीशन की सरकार बताया है। बताया जा रहा है कि जन आक्रोश यात्रा के दौरान कांग्रेस में आपस की गुटबाजी देखने को मिली। अलग अलग गुट के लोग मंच से अलग अलग भाषण देते नजर आए। कुछ लोग टिकट के लिए कांग्रेस के नए चेहरे की तख्ती दिखाते हुए दिख रहे थे। निर्णय लिया है कि हम इनको मध्य प्रदेश से खदेड़ के बाहर भेज देंगे और दोबारा इनको मध्य प्रदेश में नहीं है। मुझे कुछ पत्रकार साथ की आज सुबह पूछ रहे थे मंत्री जी कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज कैलाश विजयवर्गीय थी, प्रहलाद पटेल थी, औरतों में दाम भ्रष्टाचार सांसदों को चुनाव लड़ाया जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर प्रहलाद पटेल क्यों लड़ाया जा रहा भाई? दिल्ली के आया के धोकर जो सांसद है उनको विधानसभा का चुनाव का टिकट क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये जानता है कि मध्य प्रदेश में हमारी दाल पतली है, यहाँ पर हमारे वास्ते का कोई चांस नहीं। मुझे खुशी हम स्वागत करते हैं और हम तो उनको कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के एकता सीट का चयन आप ही कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? लड़ने की विधानसभा सांसद तो आप हैं, फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हम तो अमित शाह जी को भी निवेदन करते हैं, वो भी आए मध्य प्रदेश में दिगंबर से मिल ले, स्वागत भी जहां मर्जी वहां से मिल ले, उनका भी स्वागत करते हैं। अब अडानी जी थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, 90-95 साल उनकी उम्र हो गई है। उन्हीं मनोहर जोशी जी भी बेचारे अब बुजुर्ग हो गए, अगर वो भी आना चाहे तो हमें आपत्ति नहीं है, अब उनका भी मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करते। ये स्पष्ट है, ये भय है और ये भय ऐसा है कि प्रधानमंत्री पिछले 2 महीने में 7 बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं और अनेक मंत्री और गृह मंत्री कम से कम 1 दर्जन बार पिछले 3 महीने में मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टार्टिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी पर्सनलाइज्ड एजुकेशन कमिटमेंट इंश्योर्स दैट ईच स्टूडेंट नेशनली रिकॉग्नाइज्ड करिकुलम स्कूल हैज लैब्स इंक्लूडिंग फिजिक्स लैब बायोलॉजी लैब केमिस्ट्री लैब कंप्यूटर लैब एंड बुक लाइब्रेरी ब्यूटिफुल 13-acre कैंपस टू स्टूडेंट्स टू लर्न एंड प्ले विथ मैग्निफिसेंट मॉडर्न फैसिलिटी एंड ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determination, sports, activities and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.